हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट बॉक्स में। आज का जो वीडियो है ये आपके काफ़ी यूजफुल होने वाला है, तो दोस्तों इसको थोड़ा आप ध्यान से देखना। इसमें हम आपको एलईडी बल्ब को रिपेयर करना सिखाएंगे, लेकिन थोड़ा ये अलग तरह से बताएंगे हम कि आप किस तरह से इसको रिपेयर करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं कि एक मेरे पास एलईडी बल्ब है, काफ़ी पुराना एलईडी बल्ब है, और अगर मैं अभी इसको चेक करता हूँ तो ये देखिए, ये हमारा जो है वर्किंग नहीं कर रहा है। इधर हमने इसको सप्लाई में लगाया हुआ है तो ये एलईडी बल्ब हमारा वर्किंग नहीं कर रहा है। दोस्तों इसी को हम आपको आज रिपेयर करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, हम इसको जो है इसके डिफ्यूज़र को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। ये मैंने हटा दिया है। तो जैसे कि आप देखेंगे कि इसमें हम इसको एलईडी बल्ब को एक बार पहले भी रिपेयर कर चुके हैं, एक एलईडी हम इसमें शॉर्ट कर चुके हैं। उसके बाद भी आप देखेंगे कि हमारे जो दो एलईडी है ब्लैक हो गए हैं, एक ये भी ब्लैक हो गया है, ये भी ब्लैक हो गया है। इसका रीज़न ये है कि इसमें हमने जैसे शॉर्ट किया है तो इसको ज़्यादा वोल्टेज मिले हैं, जिसकी वजह से हमारे दो एलईडी बल्ब जो हैं और फ्यूज हो गए हैं। तो दोस्तों इसके शॉर्ट करने के अलावा हम आपको जो आप जो बताने वाले हैं वो थोड़ा अलग तरीके से हम इसको रिपेयर करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले क्या, हम इसके एलईडी बल्ब को ही चेक कर लेते हैं कि ये दो तो हमें कन्फर्म लग ही रहे हैं कि ये ऑलरेडी ख़राब हो ही चुके हैं, बाकी को भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे कि मेरे पास ये कि होममेड एलईडी टेस्टर मैंने बनाया था, और ये इसका मैं वीडियो भी शेयर कर चुका हूँ, तो आप हमारे चैनल में जाके इसको भी देख सकते हैं कि हमें किस तरह बनाना है। तो इसमें आप देखेंगे ये जो है हमारा प्लस का है और ग्रीन वाला जो है ये हमारा निगेटिव का है। तो सबसे पहले जो है हम इसी को चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये वाला एलईडी बल्ब हमारा जो है वर्किंग कर रहा है, और ये जो जल चुका है, ब्लैक हो चुका है, ये इसमें देखिए हमारा टेस्टर भी बिल्कुल नहीं ग्लो कर रहा ना एलईडी बल्ब ग्लो कर रहा है। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं तो ये भी परफेक्ट है, इसके आगे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी भी हम ये चेक कर लेते हैं अभी, तो ये भी ओके है, नेक्स्ट भी हमारा ओके है, और हम बाकी ये भी अभी चेक कर लेते हैं। इसमें भी देखिए दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी हमारा वर्किंग कर रहा है, और यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी हमारा एलईडी जो है टेस्टर काम नहीं कर रहा है। तो ये दो एलईडी जो है हमारे बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर हम इसको शॉर्ट करेंगे तो ये एलईडी बल्ब की लाइफ कुछ नहीं रहेगी, क्योंकि अगर हम इसको शॉर्ट करके रिपेयर करेंगे तो कुछ टाइम के बाद ये बाकी एलईडी भी जो है इसके फ्यूज हो सकते हैं, जिस तरह ये बाकी पहले ये दो हमने शॉर्ट किया था तो ये दो फ्यूज हो चुके हैं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इस एलईडी को यहाँ से एक को ब्रेक कर लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ से सबसे पहले टेस्टर की हेल्प से या किसी कटर की हेल्प से यहाँ से इसको ब्रेक कर लेंगे। तो मैं पहले इसी एलईडी को ब्रेक कर रहा हूँ। तो देखिए मैंने निकाल लिया है इस एलईडी को, तो आप देखेंगे यहाँ पे दो पॉइंट होते हैं, एक हमारा प्लस का होता है, एक माइनस का होता है। ऐसे हम इसी एलईडी को भी ब्रेक कर लेते हैं अभी। काफ़ी जल चुका है, देखिए हमने दोनों एलईडी को यहाँ से ब्रेक कर दिया जो हमारे फ्यूज हो गए थे। तो दोस्तों जैसा आप देखेंगे हमारा जो डायोड IN4007 है, तो हम इसी को यूज करेंगे। इसमें आप जो देखेंगे जो हमारा ब्लैक वाला स्टिप का साइड होता है ये एनोड होता है, और जो सिल्वर वाला होता है कैथोड होता है। तो दोस्तों इसे हमें थोड़ा ध्यान से सोल्डिंग करना है, तो ये हमें ध्यान रखना है, जो हमारा एलईडी का प्लस है उधर हम एनोड को लगाएंगे, और जो माइनस है उधर हम कैथोड को कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि इसमें जो करंट फ्लो होता है वो एनोड से कैथोड होता है, अदरवाइज क्या है ये वर्किंग नहीं करेगा। तो मैं इसको थोड़ा फोल्ड कर रहा हूँ उसके हिसाब से। तो मैं इसको अभी जो है पहले एक लेग को सोल्डिंग कर दूँगा। इस तरह से मैंने देखिए फोल्ड कर लिया इसको, थोड़ा सा और परफेक्ट कर लेते हैं इसको इस तरह से, और दूसरी लेग को भी हम थोड़ा फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से। तो दोस्तों अभी जो है हम इसको पहले जो है सोल्डिंग कर दे रहे हैं, और एक बार हम चेक भी कर लेते हैं इसमें टेस्टर की हेल्प से। तो आप जैसे कि देखेंगे इसमें हमारा ये जो साइड है ये प्लस का है, और ये वाला हमारा निगेटिव का, जैसे हमने टेस्टर से इसको चेक किया है, क्योंकि इसमें क्या है दोनों हमारे पॉइंट सेम लग रहे हैं, तो इसलिए हम इसमें पहचान नहीं पा रहे हैं। तो पहले हम चेक कर लेते हैं इससे पहला वाला एलईडी। तो देखिए इधर हम मैंने येलो वाला टेस्टर का पॉइंट लगाया, और इधर ये मैं ग्रीन वाला लगा रहा हूँ। तो ये आप देखेंगे कि ये हमारा जो है सही पॉजिटिव है, तो जो हमारा एनोड है वो हम इधर कनेक्ट करेंगे, और जो कैथोड है उसको हम
इधर कनेक्ट करेंगे। तो मैं इसको इसी तरह कनेक्ट कर दे रहा हूँ। पहले हम जो है एनोड को कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो इधर दोस्तों मैं थोड़ा सा ध्यान से इसको सोल्डिंग करना है। जैसे आप देखेंगे एक पॉइंट मेरा ये कनेक्ट हो गया है, इसी तरह मैं दूसरे को भी यहाँ सोल्डिंग कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देखेंगे ये मैंने अभी इधर इस तरह एक ही डायोड को कनेक्ट कर दिया है। ये आप देखिए दोनों पॉइंट को हमने अच्छे से कनेक्ट कर दिया है। और ये दोस्तों जब भी आप इसको सोल्डिंग करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों आपके आपस में कनेक्ट ना हो, अदरवाइज़ क्या है ये वर्किंग नहीं करेगा और LED का जो कनेक्शन है शॉर्ट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों जो है आपके बीच में गैप रहना चाहिए। तो दोस्तों दूसरा काम क्या करना है कि हमें यहाँ पे जो है एक दूसरा LED लगा देंगे। तो पहले हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा जो डायोड है ये सही से कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं भी इसका और मैं इसको LED वाला जो हमने ये दूसरा वाला ब्रेक किया था इसको मैं भी शॉर्ट करके देख रहा हूँ। तो दोस्तों आप देखेंगे कि हमारा जो डायोड का कनेक्शन एकदम परफेक्ट हो गया है। तो दोस्तों जैसा आप देखेंगे कि मेरे पास ये दूसरा एक NCB स्ट्रिप है, ये भी बिल्कुल ख़राब है। तो मैं इसमें से एक LED ले लूँगा। तो मैं सबसे पहले जो है इसको चेक कर लेता हूँ इसमें अगर हमारे कोई LED सही है। तो देखेंगे LED हमारा वर्किंग है। तो दोस्तों मैं क्या है इसको यहाँ से ना ब्रेक करके ऐसे काट के निकाल लूँगा, क्योंकि आप देखेंगे कि इसमें हमारा ये होल भी है। तो इस होल के साथ हम जो है यहाँ पर इसको फिक्स कर देंगे तो हमारा LED जो है इधर उधर ये मूव नहीं होगा। तो दोस्तों मैं अभी इसको काट के यहाँ से LED को निकाल ले रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे आप देखेंगे कि मैंने एक पीस इसमें से काट के निकाल लिया है। अब हमें करना क्या है, इसमें हम दो वायर छोटे छोटे कनेक्ट कर लेते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से जो है हल्का सा छील लेता हूँ, इसको इस तरह से साफ़ कर लेता हूँ ताकि हमारी सोल्डिंग ईजिली हो जाए इसमें। इसी तरह हम जो है दूसरी तरफ भी कर लेंगे। दोस्तों मैंने देखा थोड़ा सा इसको इस तरह से क्लीन कर लिया है। अभी हम इसको चेक भी कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि मेरे पास ये टेस्टर है, तो इसी से मैं चेक कर रहा हूँ। इधर मैं जो प्लस वाला लगा रहा हूँ इस तरह, और इधर माइनस लगा रहा हूँ। तो देखिए हमारा LED जो है वर्किंग कर रहा है। तो यहाँ पर हम जो है दो वायर को छोटे छोटे वायर को सोल्डिंग कर लेते हैं। तो मेरे पास ये जैसे मैंने दो वायर काट कर भी रखे हुए हैं, एक रेड कलर का एक येलो कलर का है। तो जो रेड वाला वायर है मैं इधर प्लस की साइड में कनेक्ट कर दूँगा, सोल्डिंग कर दूँगा। तो मैं अभी इसको सोल्डिंग कर दे रहा हूँ। तो ये दोस्तों देखेंगे जैसे कि हमने वायर इसमें जो है कनेक्ट कर दिए, और इसको हम अगर चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं कि हमारे बैट सही से कनेक्ट हुए या नहीं हुए। तो मैं इसको जो है टेस्टर की हेल्प से एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। तो दोस्तों हमारा जो है कनेक्शन जो है परफेक्ट हो गया है दोनों वायर का। अब हम क्या करेंगे, इसी जो LED को हम यहाँ पर जो है फिक्स कर देंगे। तो दोस्तों इसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमें रेड को किधर कनेक्ट करना है और येलो को किधर कनेक्ट करना है। तो उसके लिए क्या है कि इसी टेस्टर से मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप देखेंगे हमारा लेफ्ट साइड में प्लस का है और जो राइट साइड में हमारा निगेटिव का है, जैसे हम इस LED को चेक कर रहे हैं। तो हम जो है इसी हिसाब से यहाँ पर जो है कनेक्शन कर देंगे। मतलब हमारा क्या रेड वाला जो है इधर कनेक्ट होगा और जो हमारा येलो वाला माइनस वाला वो इधर कनेक्ट होगा। दोस्तों जैसे आप देखेंगे कि मैंने रेड वाला कनेक्ट कर लिया, इसी तरह मैं येलो वाले को भी इधर कनेक्ट कर दे रहा हूँ। तो जैसा कि आप देखेंगे हमारे जो हैं दोनों वायर के कनेक्शन जो हैं इसके साथ हो गए हैं। तो अभी क्या करते हैं, हम इसको स्क्रू को यहाँ पे खोल के पहले इसको फिक्स कर देते हैं। तो मैं इसको स्क्रू ड्राइवर से यहाँ पे खोल लेता हूँ। और जो हमने LED फिक्स की है इसको हम यहाँ पे अभी फिक्स कर दे रहे हैं।
ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो हमारे नीचे वाले जो दोनों ये पॉइंट है ये आपस में कनेक्ट ना हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पहले एक टेप का पीस ले लेते हैं, वो लगा देते हैं इसके नीचे की तरफ। मैंने एक ये छोटा सा टेप का पीस लिया हुआ है, तो मैं जो है यहाँ पर थोड़ा सा ये टेप का पीस लगा दूँगा ताकि हमारा जो ये पॉइंट है इसके साथ में आपस में कनेक्ट ना हो। और अभी जो हम इसको यहाँ पे फिक्स कर दे रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने जो इसको एलईडी को यहाँ पे फिक्स कर दिया है। थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट कर देते हैं इस तरफ, और थोड़ा सा और इस स्क्रू को हम अभी टाइट कर देंगे। तो दोस्तों अभी हम जो है इसको फाइनली चेक कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारा एलईडी एकदम परफेक्टली काम कर रहा है, और जो हमने एलईडी इसमें लगाया है वो भी अच्छे से देखेंगे आप, तो ये हमारा अच्छे से ग्लो कर रहा है। देखेंगे तो एलईडी हमारा एकदम, इसके डिफ्यूजर को हम इधर कनेक्ट कर दे रहे हैं, अभी आप देखेंगे तो एलईडी एकदम ही अच्छे से वर्किंग कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह आप जो एलईडी बल्ब को घर पर रिपेयर कर सकते हैं, और अब इसकी लाइफ जो है लॉन्ग लाइफ हो जाएगी, 5 से 7 साल तक ख़राब नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने जो इसमें एक एलईडी फिक्स कर दिया है और एक हमने डायोड भी इसके साथ लगा दिया है। और दोस्तों इसकी आप लाइट भी देखेंगे तो एकदम पूरा अच्छे से रोशनी दे रहा है। तो आज का वीडियो हम यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।